Good evening guys in this video we will be talking about 3 august 2020 intraday stocks levels before we start the video let me have the disclaimer first this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so here we go again सो फॉरी अगस्त टू टी वी डिस तो आप टेलीग्राम चैनल का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा मॉर्निंग में हमारे आपको सपोर्ट और साथ ही साथ आपको कोई एक्स्ट्रा लेवल्स में आपको वहां पर भी प्रोवाइड करता हूँ तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन जरूर हो जाइएगा फर्स्ट स्टॉक इज इंडसिन बैंक इंडस तो इंड का जो बाय का लेवल बन रहा है वो बन रहा है आपका 526 का फर्स्ट टारगेट प्राइज ऑलवेज स्मॉल रखता हूँ मैं छोटा इसलिए रखता हूँ ताकि मैं अपना स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट कर सकूँ जो भी स्टॉप लॉस की मेरी प्राइस है उसे शिफ्ट कर सकूँ अपने टारगेट प्राइस तक ताकि मुझे कभी भी मैं जब प्रॉफिट कमा चुका हूँ उसके बाद मुझे लॉस ना हो कभी भी इसीलिए मैं फर्स्ट टारगेट प्राइस को हमेशा छोटा रखता हूँ तो फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव होने के बाद सेकेंड और थर्ड टारगेट प्राइस आपके पास ईजिली रहते हैं कि आप और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके तो बाय जब आप करेंगे ट्वेंटी का फाइव का जब लेवल ब्रेकआउट होगा टारगेट रहेगा

अगला स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है वो है हमारा एफ डी सी एफ डी सी को आप बाय कर लेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होगा थ्री जीरो वन का टारगेट प्राइस रहेगा आपका थ्री जीरो टू थ्री जीरो फाइव और थ्री जीरो सेवन का स्टॉपलेस रखेंगे आप टू नाइनटी नाइन का वहीं शॉर्ट सेलिंग के लिए जो लेवल बन रहा है इसका वो बन रहा है टू नाइन्टी एट का टारगेट प्राइस रहेगा टू नाइन्टी सेवन टू नाइन्टी फाइव और टू नाइन्टी थ्री का स्टॉपलेस रहेगा आपका थ्री हंड्रेड का तो स्टॉक्स में देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर बार ही आपको एक सेम टाइप की मूवमेंट मिले कभी स्टॉक गैप अप भी ओपन होता है गैप डाउन भी होता ओपन होता है तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ एफ डी सी का चार्ट मैंने आपके लिए खोल दिया है तो एफ डी सी का जो मैंने इसको आपको बाइंग प्राइस बताया है, वो बताया लगभग लगभग लग यहाँ पे इस लेवल पे मैंने आपको इसका बाइंग प्राइस बताया तो क्या होगा कि कल अगर मान लीजिए ऐसा तो वैसे तो होना नहीं चाहिए काफ़ी सिमिलर बहुत कम ही चांसेस है बट कभी कभार ऐसा होता है कि स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता है अगर मान लीजिए स्टॉक कल गैप अप ओपन हो गया यानी कि थ्री जीरो वन पे ओपन होता है या फिर थ्री जीरो वन के कहीं ऊपर जाके ये ओपन होता है तो आप क्या करेंगे आप वेट करेंगे टेन ई एम के अंदर अंदर टेन एम के अंदर वो गैप फिल हो जाए यानी कि मान लीजिए अगर मान लीजिए ये थ्री जीरो वन है ये थ्री जीरो टू से यहाँ से होके ये नीचे आ जाता है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ हल्का सर रेड कर देता हूँ तो रेड लाइन आपको जो दिख रही है यहाँ यहाँ पर ये ओपन हुआ स्टॉक का जो प्राइस है वो ओपन हुआ उसके बाद ये नीचे आ गया नीचे आने के बाद देखिए आप इसे बाय कब करेंगे ये चीज़ काफ़ी लोगों की कन्फ्यूज़न रहती है तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ आप इसे बाय बाइकअप करेंगे देखिए जैसे ये जो यहाँ पे इस लाइन पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं हल्का सा ग्रीन कर देता हूँ तो ये जो इस लेवल पे है इस लेवल पे ये यहाँ पे होल्ड लेने के बाद मतलब ये जो हमारी बाइंग प्राइस है उसके नीचे और शॉर्ट सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर हल्का सा होल्ड ले हल्का सा होल्ड कैसे ले मतलब मान लीजिए थर्टी सेकेंड का या फिर आ, एक मिनट का होल्ड ये ऐसे नहीं लेगा कि एकदम स्टॉक जो है यहाँ पे स्टक होकर रह जाएगा यहाँ पे क्या करेगा ये स्टॉक जो है हल्का सा अप एंड डाउन करता रहेगा एक जगह पे तो कभी स्टॉक रुकता नहीं है ऐसा अप एंड डाउन करेगा अप एंड डाउन करेगा बट ये है कि ये एकदम से गिरते मतलब मान लीजिए थोड़ा सा होल्ड लेगा यहाँ पे यह अप एंड डाउन करेगा उसके बाद ये लेवल ब्रेकआउट करेगा और ऊपर जाएगा तब आप इसे बाय करेंगे ऐसे नहीं कि ये मान लीजिए इस रेड लाइन पर जैसे मैंने बताया यहाँ से ओपन हुआ यहाँ से इसने लेवल ब्रेकआउट किया और ये दोबारा से यहाँ से बढ़ने लग गया तो आप इसे ऐसे में बाय कर लेंगे इसने कुछ भी होल्ड नहीं लिया ना थर्टी सेकंड का एक मिनट बड़ा उससे तो चल मतलब उससे बड़ा तो खैर आपको पता ही चलता बट मिनिमम जो है थर्टी सेकंड का होल्ड उसने नहीं लिया होल्ड कैसे लेगा मैंने फिर से क्लियर कर दिया आपको अप एंड डाउन करेगा तो उसके आप उसे बाय बाय नहीं नहीं करेंगे नहीं करेंगे ऐसी कंडीशन में शॉर्ट सेलिंग सेलिंग की तरफ इंपेस बुट करेंगे कि शॉर्ट शॉर्ट जब लेवल होगा तो आप सेल कर दें और अगर स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है सेम अप्लाई होगी बस इसका उल्टा हो जाएगा स्टॉक जो है वो यहां से ऊपर के लिए आएगा उसके बाद एक लेवल पर यहां पर अप एंड डाउन करेगा होल्ड करेगा हल्का सा कहने का मतलब ये होल्ड करेगा हल्का सा अप एंड डाउन अप एंड डाउन ऐसे ऐसा होता रहेगा और उसके बाद क्या है ये दोबारा से नीचे आने लगेगा तब आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं ऐसे ही अगर ये ऊपर जा रहा है और हल्का सा नीचे आया लेवल ब्रेकआउट हुआ हल्का सा एकदम से होल्ड कुछ इसने नहीं किया एकदम से लेवल नीचे का ब्रेकआउट हुआ ऊपर जाने के बाद और दोबारा से ये ऊपर चले गया तो आपको ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो इसीलिए ऐसी चीज़ है आप ट्राई नहीं करेंगे आप प्ला, जिसे आप बाय करके चल सकते हैं 723 पे टारगेट रहेगा 725 728 और 735 का स्टॉप लॉस रहेगा 719 का अगेन बाइंग का लेवल और शॉर्ट सेलिंग लेवल ब्रेकआउट होगा तभी बाय और शॉर्ट सेल करेंगे और स्टॉप लॉस के भी मैं एक चीज़ बता दूँ स्टॉप लॉस देखिए मान लीजिए आपका हो सकता है ऐसा कल हो सकता है कि इसका बाइंग प्राइस एक्टिवेट होने के बाद टारगेट से पहले ही ये नीचे आ जाए तो ऐसी कंडीशन में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है स्टॉप लॉस का देखिए मेन पर्पज़ है लगाने का कि देखिए फैसला तो कि स्टॉप लॉस हिट ना हो दूसरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो और ये जो स्टॉप लॉस है वो हिट कैसे होगा जैसे सेवन नाइन सेवन वन नाइन पॉइंट ज़ीरो जीरो से स्टॉक नीचे आने लगता है तब आप इसे

शॉर्ट सेलिंग का लेवल है इसका सेवन वन एट का टारगेट प्राइस रहेगा सेवन वन सिक्स सेवन वन टू और सेवन जीरो एट का स्टॉप लॉस अगेन सेवन ट्वेंटी टू का है तो सेवन ट्वेंटी टू पॉइंट वन जीरो या फिर पॉइंट टू जीरो ऐसा कुछ लगाइएगा एग्जैक्ट ना ही टारगेट मतलब एग्जैक्ट ना ही जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है उस पर बाय करना है एग्जैक्ट स्टॉप लॉस पर बाहर भी नहीं आना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा नंबर आपको स्क्रीन में दिख गया होगा हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वेबसाइट पर विजिट भी मार सकते हैं और हमारे जो आ, ये व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप कुछ भी डिटेल्स आपको जाननी हो इंटरडे के बारे में आप हमसे जान सकते हैं